हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे फेस्टिव डी के बारे में, जो कि फ्रेंड इसका जो प्रयोग है आई और ईयर ड्रॉप्स है, ये दोनों में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको आँखों में प्रॉब्लम है या फिर कान में कोई दिक्कत है तो गाइस ये दोनों में ही प्रयोग की जाती है। गाइस बात करें इसके सॉल्ट की, तो सॉल्ट इसमें ऑफ्लॉक्सिन एंड डेक्सामेथासोन होता है। गाइस MRP इसका, गाइस मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो MRP है वो 52.50 रुपये इसका MRP है, और इसकी जो कंपनी है वो लेबरेट कंपनी इसको बनाती है। गाइस गाइस आप किसी भी मेडिसिन को लेने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लिया गया है। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ, यह एक जेनरिक दवाई है, तो यह आपको कम रेट में भी मिल सकती है। बात करते हैं यह किस काम में आती है। इस आई ड्रॉप का उपयोग आँखों में जलन होना, खुजली होना या दर्द होना, या आँखों में आँख जो लाल हो जाती हैं, आँखों का लाल होना, आँखों में पानी आना, गिद आना, धुंधला दिखाई देता है उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, आदि हर प्रकार की आँखों की समस्याओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि गाइस इस पे लिखा है आई और ईयर, तो अगर आपको कानों में भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे कान में भी अगर इसका उपयोग किया जाता है, अगर आपका जो कान है बहता है या कान में दर्द होता है, कान में खुजली होना, सूजन आना, आदि हर प्रकार की कानों की समस्याओं में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं, इसकी 2-2 बूंद आप डाल सकते हैं। अगर आप इसका उपयोग कान में करते हैं तो उसको 3 टाइम यूज़ करते हैं, सुबह, दोपहर और शाम को आपको 4-4 बूंद डालना है। गाइज मैं आपको बता दूं, इसका जो है इसमें लिखा हुआ है, इसको जो है आपको 1 मंथ के अंदर ही ख़त्म करना होता है। जब ये ओपन, अगर एक बार आप इसको ओपन कर लेते हैं तो 1 महीने के बाद आप इसको यूज ना करें। बहुत से ऐसा करते हैं, जब आँखों की या फिर कानों की प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाती है, आप इसको बचा के रख लेते हो और उसको कई दिनों बाद फिर से यूज़ करने लग जाते हो। ऐसा इसका जो प्रयोग है बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें लिखा हुआ भी है कि इसको जो है 1 मंथ के अंदर आपको ख़त्म कर लेना है। आप देख सकते हैं गाइज, थोड़ा मैं जूम करके दिखा दूँ, यूज़ द सोलूशन विद इन 1 मंथ आफ्टर ओपनिंग द कंटेनर। तो गाइस ये 1 महीने के अंदर इसको ख़त्म करना होता है। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं, दवाइयों की जानकारी आप चाहते हैं तो सिंघानिया फार्मेसी को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।